अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज की मूवी है एटीएम, जो 2012 में आई थी और काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। बस देखते हैं क्या है इसमें। मूवी स्टार्ट होती है डेविड से, जो एक स्टॉक ब्रोकर है और एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करता है। क्रिसमस के टाइम पे उसने एक बुजुर्ग का 4 लाख डॉलर का नुकसान कर दिया है। वो कोर्ट पे काफी गुस्सा होते हैं, मगर डेविड अब क्या कर सकता है। उसका खुरी कोरी उसके पास आता है और उसे आज रात पार्टी में आने का पूछता है, मगर डेविड तो कल जा रहा था। तो कोरी उसे रुकने के लिए कहता है। आज अमेरिका रास्ते है और डेविड अमेरिका को काफी पसंद करता है, मगर आज तक उसको बोल नहीं पाया। तो कोरी उसे कहता है, आज पार्टी में रास मौका है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। डेविड पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाता है। अब पार्टी स्टार्ट होती है और सब एंजॉय कर रहे होते हैं। डेविड एमिरी के पास जाता है बात करने के लिए और ये दोनों बहुत ही नर्वस होते हैं। इधर उधर की बात करके एमिरी पार्टी से चली जाती है और उसके जाने के बाद डेविड को एहसास होता है कि रो ये चांस भी गया। एमिरी टैक्सी रोक रही होती है तो डेविड उसकी हेड ट्रेनर्स के पास आता है, जो उसकी नहीं होती, और यहाँ इसको टैक्सी नहीं मिल रही होती। तो डेविड उसको कार पे छोड़ने की ऑफर देता है। ये पहले मना करती है कि मेरा घर तो काफी दूर है, मगर डेविड ऐसा मौका चाने दोरी देगा तो एमिरी भी मान जाती है। ये वापस पार्टी में आता है, हेड रखता है और दोस्तों को बाय बोलता है। तो कोरी पीछे रख जाता है इसके कि मुझे भी घर पे जोड़ो। वो कहता भी है कि एमिरी मेरे साथ है, तुम टैक्सी में चले जाओ, मगर उसके पास पैसे ही नहीं होते और डेविड के पास भी कैश नहीं था, तो मजबूरन उसको भी लेके जाना पड़ता है। और कोरी एक पोर्टर उठा देता है, ये बहुत बगारा होता है। डेविड के मोबाइल से कॉल करके उसकी बैटरी भी एंड कर देता है। एमिरी भी बस हंसके उसके ड्रामे देख रही होती है। डेविड को गुस्सा आ रहा है कि ये मौका भी इसकी वजह से खराब हो रहा है और अब इन महाशय को भूख लग रही होती है, उसे पिज्जा खाना है। मगर उससे पहले ये एटीएम पे रोकते हैं कि गौरी एटीएम से पैसे निकालने चाहता है, मगर कुछ देर बाद वो डेविड को भी बुला रहता है। अब एमरी कार में अकेली होती है तो वो कार की कीस लेके एटीएम में आ जाती है, जहाँ डेविड कैश निकाल रहा है क्योंकि गौरी का कार्ड काम नहीं कर रहा। ये टोपी रख रहे है, मुझे सर्दी भी काफी है। तो गौरी अपने हाथ हीटर पे गर्म कर देता है। अब डेविड ने कैश भी निकाल लिया और ये एटीएम से जाने रखते हैं तो नोट करते हैं कि एटीएम के बाहर एक ओटी पहना हुआ आदमी इन्हीं की तरफ देख रहा है। ये घबरा जाता है कि कौन आदमी है। तो गौरी कहता है, हो सकता है एटीएम में पैसे निकालने आया हो और हमारे निकलने का वेट कर रहा हो। मगर ये दोनों एग्री नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कोई और कार नहीं है, उन्हें लगता है ये लूटने के लिए आया है। गौरी चीख के पूछता है, तुम्हें एटीएम यूज करना है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। तो ये केट कोड के जाने रखता है तो वो इनकी तरफ आने रखता है, तो ये डर जाता है और कोरी वापस एटीएम के अंदर आ जाता है। ये सब परेशान है, ये कौन है। जब भी वहाँ पे एक आदमी अपने डॉगी के साथ आता है तो ये बंदा उस डॉगी वाले आदमी के पास जाता है और उसे पूरी तरह चांस से मार देता है। ये सब शॉक हो जाते हैं और काफी डर जाते हैं। डेविड तो पुलिस को कॉल करने का कहता है, मगर कोरी के पास मोबाइल नहीं है, इसकी बैटरी एंड हो गई है और एमरी का मोबाइल कार के अंदर है। ये एटीएम में कोई पैनिक बटन देखने रखते हैं जिससे पुलिस से रब्ता हो जाए, मगर इनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और ये भी एटीएम के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि या तो कोई अंदर से खोल सकता है या कार्ड से गेट खुल सकता है। डेविड एमरी से कार की कीस लेता है कि मैं पार जाऊंगा, तो कोरी उसे मना करता है कि वो पार ही तो करा हुआ है। कि जब भी वो किलर बंदा डेविड की कार तक जाता है और उसके वायर्स को खराब कर देता है और ट्रंक से टूल बॉक्स निकाल के और टूल लेके एटीएम के पीछे चला जाता है और वहाँ जाके ये एटीएम का हीटर बंद कर देता है जिससे अंदर और सर्दी हो जाएगी। और ये अंदर तोड़फोड़ करने रखते हैं जो एटीएम के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। एमरी फायर डिटेक्टर दिखाती है कि ये एक्टिव हो गया तो पुलिस आ जाएगी, मगर कोरी के पास लाइटर ही नहीं होता। अब इन्हें एक पुलिस की कार नजर आती है, काफी शोर करते हैं, मगर वो इन्हें बिना देखे यहाँ से चली जाती है और अंदर अब काफी सर्दी हो गई। डेविड मशीन से अपने पैसे निकालता है कि शायद इसको पैसे चाहिए और एमरी अपनी इयररिंग्स देती है और कोरी से वॉच लेते हैं क्योंकि इसका कार्ड खराब है। मगर एमरी कहती है, अगर तुम्हारा कार्ड खराब था तो तुम अंदर कैसे आए, क्योंकि वो तो कार्ड से ही खुलता है। तुम बस ये पैसे नहीं निकालने के लिए ड्रामा कर रहे हो ना। और ये आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और किलर एटीएम के पीछे जाता है और इनकी बातें सुनता है। अब डेविड पैसे और सामान लेके एटीएम से बाहर आता है और उससे कहता है, ये सब तुम रख रहो, हमें जाने दो, हम किसी को भी ये सब कुछ नहीं बताएंगे, ना हमने तुम्हारा फेस देखा है। और ये सब सामान उसके पास फेंकता है और वो उठाने रखता है तो डेविड भाग के अपनी कार पे आता है, मगर उसके तो वायर्स खराब हैं, तो ये फौरन एमरी के पर्स से मोबाइल निकाल के पुलिस को कॉल करने रखता है। लेकिन जब भी वो बंदा भी आ जाता है और डेविड को पकड़ लेता है जिससे डेविड के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और कोट भी उतर जाता है और ये भाग के सीधा एटीएम के अंदर आ जाता है। अब इसके बाद कोट भी नहीं है, इसको और सर्दी रखती है और किरर इनका दिया हुआ सामान और मोबाइल ट्रंक के अंदर डाल देता है। उसे पैसे नहीं चाहिए, उसका कुछ और मकसद है। एमरी लिपस्टिक से शीशे में हेल्प दिखती थी कि कोई आएगा और देख लेगा और ये एटीएम की बैक दीवार तोड़ने रखते हैं कि इधर से भाग जाएंगे और ये सब भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन ये तो सीमेंट की मजबूत दीवार है, कट्टू नहीं टूटने वाली इनसे। तो एमरी डेविड के कार्ड को दे दिए और पिन रिवर्स करके डाल दिए जिससे एरर आएगा और पुलिस अलर्ट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। तो कोरी कहता है, ये सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सच में इस हरकत से कुछ भी नहीं हुआ, बस डेविड का कार्ड मशीन ले दे दिए, अब इसके पास कार्ड भी नहीं है। अब ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने किसके साथ पूरा किया। तो कोरी डेविड को कहता है, अरे ये वो बंदा
बंदा तो नहीं है कौर वाला जिसके पैसे डूब गए? तो डेविड मना करता है, अरे वो 60 साल का बंदा है और अगर उसको मुझसे पंगे होते तो वो उस आदमी को क्यों मारता। अब सर्दी काफी हो जाती है और ये सब आपस में एक दूसरे के हाथ रगड़ने लग जाते हैं कि जब एक पुलिस की कार आती है और ये चिल्लाने लगते हैं। तो गोरी कहता है ये पुलिस नहीं सिक्योरिटी गार्ड है, इसके पास गन वन नहीं होती। और वो अपनी कार एटीएम के पास लेके आता है और डेविड की कार की आदत है कि बाहर आ जाता है। ये सब उसको बोलते भी हैं कि पुलिस को कॉल करो मगर इसको इनकी समझ भी नहीं आती ये क्या बोल रहे हैं। अब ये यहाँ पे राज देख रहे थे और फौरन पुलिस को कांटेक्ट करने लगता है मगर अब रेड हो गया क्योंकि किलर इस पर अटैक करता है और इसे भी मार देता है। ये बस देखते ही रहते हैं। अब एमरी की सर्दी से हालत अजीब होने लगती है, अंकी शन बोल रही है। तो ये दोनों सोच रहे होते हैं कि अब क्या करना चाहिए कि जब भी किलर एटीएम के अंदर आ जाता है ये दोनों उस पर हमला कर देते हैं, दोनों बहुत मारते हैं उसे और फिर डेविड चेन से उसका गला दबा के उसको चांद से मार देता है। ये सब शॉक हो जाते हैं ये क्या कर दिया हमने, मगर अगर ये नहीं करते तो ये उन्हें मार देता। अब ये सब यहाँ से बाहर जाने लगते हैं मगर गेट के पास शॉक होकर रुक जाते हैं क्योंकि सामने तो किलर आराम से करा हुआ है। तो इन्होंने किसको मार दिया, इसके साथ कोई और भी था? और ये उसकी आईडी चेक करते हैं जिससे पता चलता है वो एक जेनिटल था जो काम पे जाने से पहले एटीएम से पैसे निकालने आया था और इसके बीवी और बच्चे भी हैं। अब ये सब किल्ट में चले जाते हैं कि हमने एक पेकुना को मार दिया। और कुछ देर बाद कोरी जेनिटर की जैकेट निकाल के पहन देता है। अब डेविड कोरी को कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम मेरे साथ आने का कहते, ना हम एटीएम आते, ना हम बसते। और वो डेविड पे गुस्सा होता है कि तुमने एक पेकुना को मार दिया। ये दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सब भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। कोरी की अब बस हो गई है और वो एटीएम से जाने लगता है कि वो अकेला है और हम तीन है, मगर एमरी नहीं मानती और उसको रोकने रखते हैं। तो ये गुस्सा हो जाता है कि तुम लोग इधर मरो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। और ये एटीएम से निकल के फुल स्पीड पे भागता है मगर अचानक गिर जाता है क्योंकि किरण ने आगे वायर्स लगाए हुए और अब वो कोरी के पास आने लगता है। डेविड उसकी हेल्प के लिए जाने लगता है तो एमरी उसको रोक लेती है। तो ये एमरी को धक्का देता है और वो दूर जाके गिरती है और ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब किरण कोरी को स्टैप करके मार देता है और डेविड को काफी अफसोस होता है कि उसका दोस्त मर गया। एटीएम पे ये दोनों होते हैं और वो एटीएम के पैक में अपने काम में मसरूफ होता है। ये एमरी को सॉरी भी कहता है कि तुम मेरी वजह से इधर बस गई हो, तुम टैक्सी में चली जाती तो अब तक घर में जाके सो भी चुकी होती। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब किस्मत की बातें हैं, जो हम इधर हैं ये नहीं होता तो वो हो जाता, अब इस सब का मतलब नहीं है। और वो अभी भी एटीएम के पीछे धोरमदारी कर रहा होता है। तो डेविड देखता है कि कोरी अभी भी जिंदा है। ये दोनों बाहर जाते हैं और उसको अपने साथ अंदर लेके आ जाते हैं। कोरी की हालत काफी खराब थी, उसे जल्दी हॉस्पिटल लेके नहीं गए तो वो मर जाएगा, मगर ये चाहेंगे कैसे? किरण डेविड की कार एटीएम के गेट पे लगा देता है जिससे ये बाहर ना आए और डेविड एटीएम पे शोर शोर से मारने लगता है ताकि पुलिस को कोई सिग्नल मिल जाए, मगर ये भी काम नहीं आता। और ऊपर से किरण एटीएम के अंदर पानी छोड़ देता है, एक तो वैसे सर्दी से बुरा हाल, अब ये पानी भी आ गया। कोरी को बचाने की करते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। तो डेविड को जेनिटर की जैकेट से लाइटर मिल जाता है। ये फायर डिटेक्टर के पास लाइटर चला के जाता है मगर इसका हाथ वहां तक नहीं जाता, ये स्लैब के ऊपर चलता है मगर कोई फायदा नहीं होता। और इधर कोरी भी मर जाता है लेकिन इन्हें पता ही नहीं चलता। ये दोनों डस्टबिन में पेपर डाल के आग लगाते हैं और ये भी ट्राई करता है मगर इसका हाथ अभी भी नहीं जाता। और किरण बाल चेयर में बैठ के ये सब देख रहा है। अब एमरी डेविड के शोल्डर में चलती है और वो ट्राई करती है और इस बार ये काम कर जाता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं लेकिन डेविड का पांव स्लिप हो जाता है और ये गिर जाते हैं। और एमरी का सर स्लैब पे बहुत जोर से रखता है जिससे वो भी मर जाती है और डेविड को उसकी मौत का बहुत गम होता है। और अब किरण डेविड की कार के पीछे पुलिस की कार भी लगा देता है जिससे एटीएम के सब शीशे टूट जाते हैं और पानी बाहर निकल आता है। अब डेविड के पास कोने के लिए कुछ बचा नहीं है, वो गुस्से में बाहर निकलता है और कार से कोरी की बोतल निकाल के उस पर आग लगा के किरण की चेयर पे फेंक देता है जिससे वो चलने लगता है, मगर किरण तो साइड पे खड़ा हुआ है क्योंकि चेयर पे सिक्योरिटी गार्ड की राश होती है। और अब वो डेविड को मारने के लिए आ रहा होता है कि जब वहाँ पे पुलिस आ जाती है तो ये छुप जाता है और पुलिस आके डेविड को पकड़ लेती है। वो कहता भी है कि किरण वहाँ पे छुपा हुआ है, वहाँ पे छुपा हुआ है, मगर उसकी कोई सुनता नहीं है और पुलिस उसे लेके जाने रखती है। वो नोट करता है यहाँ पे काफी लोग हैं और हुडी में भी काफी हैं, तो ये किरण को पहचान नहीं पाता। और एंड पे आता है असली ट्विस्ट क्योंकि पुलिस डेविड को ही सब खून के लिए अरेस्ट कर देती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज चेक करने पे पता चला कि ये सिर्फ तीनों ही थे और एटीएम पे कोई किरण नहीं आया था क्योंकि वो हमेशा एटीएम के करीब नहीं आया ना अंदर आया और हमेशा वहीं खड़ा रहता था जहाँ पे कैमरे की रेंज खत्म हो जाती थी। और सीसीटीवी फुटेज में बस ये आया है कि ये तीनों पहले एटीएम में जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ये हंगामा शुरू कर देते हैं, एटीएम में दौड़-भाग करने लगते हैं। फिर जेनिटर एटीएम में आता है तो डेविड उसको मार देता है और फिर डेविड और कोरी की लड़ाई होती है और वो चला जाता है। और डेविड उसको मारने के लिए बाहर जाने रखता है तो एमरी उसको रोक लेती है जिससे वो उसको धक्का देता है। फिर ये दोनों बाहर जाते हैं और सकमी आदत में कोरी को लेके आते हैं क्योंकि इन्होंने बाहर जाके उसको मार दिया और डेविड ने एटीएम में दौड़-भाग बिल्ड की जिससे कैमरा खराब हो गया और उसके आगे की फुटेज नहीं है। अब डेविड ने कुछ भी नहीं किया मगर सबूत उसके खिलाफ है और पुलिस की नजर में वही खूनी है। और इन्होंने इंटॉक वाले बंदे और सिक्योरिटी गार्ड को भी मारा है। और हम लास्ट में देखते हैं किरण अपने ठिकाने पे जाता है और हम देखते हैं उसने एटीएम के लिए फुल प्लानिंग की हुई थी कि कहां पे कैमरा है, कहां तक शो होता है और उसे क्या क्या करना है। उसकी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। और हम देखते हैं इसके बाद बहुत सारे एटीएम के प्लान्स हैं और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। तो एंड वाला ट्विस्ट था वो एक्सपेक्टेशन से पार था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।